हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना चेकबुक कैसे फिल कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से चेकबुक मिले हैं और आपको पता नहीं है चेकबुक कैसे भरते हैं, चेकबुक को कैसे एक्टिव करते हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ चेकबुक कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिए हैं। अगर आप अपना चेकबुक नहीं बनाए हैं तो आप मेरा ओल्ड वीडियो देख के ये पता कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे चेकबुक कैसे बनाते हैं। अगर आपने चेकबुक के लिए ऑर्डर कर दिया था और आपका चेकबुक आपके घर पर आ चुका है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप चेकबुक को कैसे और फिल कर सकते हो, भर सकते हो और आप इसको कैसे एक्टिव करा सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चेकबुक को कैसे एक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले ये चेकबुक ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं जब आपको पोस्टमैन की तरह द्वारा आपको डिलीवर होते हैं, तब आपका चेकबुक एक्टिव रहता है। और जब आपको ये चेकबुक आपको डिलीवर हो जाती है तो सिर्फ आप इसको फिल करो, अपना सिग्नेचर करो और किसी को दे दो, आपका चेकबुक रेडी है पैसा निकालने के लिए। आपके चेकबुक से कोई भी बंदा पैसा निकाल सकते हैं अगर आप किसी को सिग्नेचर करके दे देते हो तो। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ चेकबुक को कैसे फिल करना है, कैसे चेकबुक को भरना है, ताकि आपका चेकबुक रिजेक्ट ना हो, बाउंस बैक ना हो, कुछ भी जो होता है वो ना हो। आप सही तरीके से चेकबुक कैसे भर सकते हो ताकि आपके अकाउंट से 10,000 के बदले में 1,00,000 ना निकल जाए। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। सो गाइस, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप पंजाब नेशनल बैंक का चेकबुक कैसे भर सकते हो। तो सबसे पहले आपका चेकबुक कुछ इस तरह से होगा। तो आपको पहला पन्ना पलटना है और यहाँ पर आपको एक ऐसा मिलेगा लेन देन विवरण ट्रांजेक्शन फीड। तो आप अपने चेकबुक का डिटेल्स यहाँ पर लिख सकते हो। आप चेक संख्या यानी कि चेक नंबर लिख सकते हो, पाने वाला का नाम यानी कि पेई का नेम यहाँ पर लिख सकते हो, जारी चेक यानी कि आप कितना अमाउंट किसको दे रहे हो वो अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हो, जमा अमाउंट भी यहाँ पर लिख सकते हो और शेष बैलेंस यानी कि आपके अकाउंट में भी कितना बैलेंस है आप वो बैलेंस भी यहाँ पर लिख सकते हो। बट ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको फ्यूचर में याद रहेगा कि मैंने किसको कितना का चेक दिया था। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखने वाला, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपका चेकबुक आ जाएगा मेन पेज, आपके चेकबुक का ये मेन पेज आ चुका है, यहाँ पर ही आपको सब कुछ फिल करना होगा। तो गाइस, उसके बाद आपके ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा और पिन कोड भी दिख जाएगा और ब्रांच का IFSC कोड भी यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस चेक को कैसे फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पे यानी कि आपको पेई का नाम डालना है, आप ये चेकबुक किसको दे रहे हो उसका नाम यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं पेई का नाम डाल देता हूँ। गैज, पेई का नाम डालने के बाद रुपीस यानी कि रुपये, तो आप कितना अमाउंट देना चाहते हो उसको, उसका यहाँ पर आपको अंक में लिखना है यानी कि अक्षर में लिखना है, अक्षर में। एग्जांपल के लिए आप किसी को 1,000 रुपया दे रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखना है 1,000 रुपया मात्र, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50,000 रुपया मात्र। ओके, तो आपको इधर स्पेस नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि इसके बीच में कोई अपना लेटर ना घुसा दे, इसीलिए आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज, आपको इस तरह से अपना अमाउंट अक्षर में लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ स्पेस बाकी रह जाती है यहाँ पर आपको एक लकीर इस टाइप से खींच देना है ताकि इसके बीच में या इसके आगे या इसके पीछे कोई अपना लेटर ना घुसा दे, इसीलिए आपको यहाँ पर एक लकीर इस तरह से खींच देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अंक, तो अंक में आपको यहाँ पर अमाउंट फिल करना है। तो यहाँ पर मैं अंक में अमाउंट फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया था, बट आपको मिस्टेक नहीं करना है। ओके, आपको अपना अमाउंट इस तरह से अंक में फिल करना है। ओके, उसके बाद आप ऐसा एक लकीर खींच देना और ऐसा कर देना। ओके, उसके बाद आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मुझसे यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। ओके, उसके बाद डेट, आप ये चेकबुक का फिल कर रहे हो वो डेट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मैं डेट भी फिल कर देता हूँ, 1 जनवरी 2001, और कौन सा महीना में आप ये चेकबुक फिल करें वो मंथ यहाँ पर आपको डालना है। तो जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, तो यहाँ पर मैं 01 डाल देता हूँ। गाइस, मैंने 2 मिस्टेक कर दिए है, बट आपको मिस्टेक नहीं करना है। और कौन सा ईयर में आप ये चेकबुक फिल करें वो ईयर भी आपको यहाँ पर डालना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 1/1/2021 डाल दिए हैं। ओके, उसके बाद सिग्नेचर, आपको अपना सिग्नेचर करना है। अगर ये चेकबुक आपका ही है तो आपको अपना सिग्नेचर करना है। अगर ये चेकबुक आपके मम्मी पापा का है तो आप अपने मम्मी पापा को बोलना यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए, बट ये चेकबुक मेरा ही है तो मैं अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देता हूँ। अगर आपका सिग्नेचर बैंक में हिंदी में है तो आपको हिंदी में करना है, अगर आपका सिग्नेचर बैंक में इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश में करना है। ओके, उसके बाद आपको ये पेज पलटना है।
और पेज पलटने के बाद जो है आपको अपना सिग्नेचर यहाँ भी करना है। इस तरह से आपको अपना दो सिग्नेचर पीछे में कर देना है और आपको आगे में इतना ही चीज़ भरना है। जब आप ये सब भर देते हो तो आप इस चेकबुक को इस तरह से फाड़ सकते हो और आप ये चेकबुक किसी को दे सकते हो। बट ये चेकबुक मैंने अपने नाम से ही फिल किया है तो इसको मैं अभी नहीं फाड़ूंगा, जब मुझे इसको भजाना रहेगा तब मैं इसको भजा लूँगा। ओके, तो आप इसी तरह से अपना चेकबुक फिल कर सकते हो घर बैठे सिंपली 1 से 2 मिनट के अंदर में। बट मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में बताया था, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, बट अपना चेकबुक 1 मिनट के अंदर में भी फिल कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।